हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे थाई ग्रीन करी पेस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ये सब सामग्री लिए हैं। मैंने दो स्टिक लेमन ग्रास का लिया है, जिसके छोटे छोटे पीसेज मैंने कट कर लिए हैं। ये लेमन ग्रास है जो सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल है। 1 से 1.5 इंच मैंने गलंगा लिए हैं, जिसे थाई जिंजर भी बोलते हैं, और मैंने 6 से 7 क्लोव गार्लिक के, 2 नींबू के पत्ते और 1 नींबू का मैंने छिलका लिया है लेमन जिस्ट। 1 छोटा सा मैंने प्याज भी लिया है और कुछ धनिया की पत्ती के डंठल लिए हैं। 1 बॉल धनिया का पत्ता लिया है और ग्रीन चिली लिया है। ये थाई ग्रीन करी है तो इसमें खूब सारा ग्रीन चिलीज जाते हैं। और मैंने 1 छोटा टमाटर भी लिए हैं। थाई ग्रीन करी पेस्ट में टोमेटो नहीं जाता है, लेकिन मैं थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से इसको चेंज करके बनाती हूँ। और एक बार आप सब टोमेटो के साथ भी बना के जरूर देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं सारे सामग्री को ग्राइंडर जार में ऐड करूंगी और इन सब सामग्री को ग्राइंडर जार में ऐड करने के बाद कुछ मसाले और ऐड होंगे। तो पहले मैं सारे सामग्री को ग्राइंडर जार में ऐड कर देती हूँ। 1/2 नींबू का जूस ऐड करूंगी। 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड ऐड करूंगी। कोरिएंडर सीड ऐड करने के बाद 1 टीस्पून जीरा ऐड करना है। 1 टीस्पून नमक भी मैं ऐड कर दूंगी। अब मैं पानी के साथ इन सब का एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी। थाई ग्रीन करी पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी और मैंने तकरीबन 4% के हिसाब से ये रेसिपी शेयर की है। 1 केजी सब्जी में जितना पेस्ट लगना चाहिए उस हिसाब से मैंने रेसिपी दिखाई है।